वेलकम टू अब्बास जोहर ऑफिशियल। आज मेरे पास है ये CD70, तो इसका मैंने कंप्लीट इंजन खोला है। इसका कनेक्टिंग रोड आवाज़ कर गई थी ना, तो मैंने सोचा इंशाल्लाह आपको गियर गुच्छे भी गाइड कर दूं। इसके अंदर कितनी वॉशरें होती हैं और कौन सी वॉशर कहाँ लगनी है और कौन सी गरारी कहाँ फिट होनी है, तो इंशाल्लाह मेरी हमेशा कोशिश यही है कि आपको छोटी सी छोटी चीज़ भी गाइड कर दूँ। एक और चीज़ कि हमारी तकरीबन ये प्रॉब्लम बाइक के अंदर आती है, हम लोगों ने तीसरे गियर की यार गरारियाँ डलवा ली फिर भी तीसरा गियर हमारा आवाज़ कर रहा है या फिर हल्का सा झटका पड़ रहा है, एक महीना डेढ़ महीना दो महीने बाद फिर से वो आवाज़ कर जाता है। तो इंशाल्लाह मैं आपको गाइड करूँगा, सिर्फ वॉशरों की सेटिंग करनी है और इंशाल्लाह आपका तीसरा गियर कभी भी नहीं आवाज़ करेगा। सबसे पहले इसका मैं गियर गुच्छा तैयार कर लेता हूँ, फिर उसके बाद इंशाल्लाह आपको मैं सेटिंग भी बताऊँगा कि कौन सी सेटिंग करनी है। सबसे पहले हम इसका बेयरिंग फिट कर लेते हैं, यहाँ पर हल्का सा ऑयल लगा लेंगे। अच्छा, इसके अंदर जो हमारी टोटल वॉशरें हैं वो 6 वॉशरें हैं, ठीक है। ये 2 सेम हैं और एक इसमें से थोड़ी सी मोटी है और एक ये किक्की वॉशर है, 2 ये हो गई ये कट वॉशर, ये भी हमारी गियर गुच्छे की हैं। तो इंशाल्लाह मैं आपको फिटिंग गाइड करता हूँ। ये देखें जो 2 ये सेम हैं, सबसे एक नीचे आएगी, ये ओके की रिपोर्ट में फ़िट हो रही है, ठीक है ये सी की है। जो दूसरी वाली है ये ऊपर की वॉशर होती है, ये फिट नहीं होगी, तो यानी इसकी वॉशर नहीं है, ये हटा देनी है हमने। इस तरह से गियर ड्रम हमने पहले सेट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद हम इसकी मेन शाफ्ट उठाएंगे, यहाँ पर मेन शाफ्ट आ जाएगी, फिर उसके बाद हमारी काउंटर शाफ्ट आ गई। इस तरह से पहले हम इसका गियर गुच्छा तैयार कर लेंगे इस तरह से, ठीक है, और फिर नीचे एक वॉशर लगाएंगे, ये वाली जो बारीक वाली वॉशर है ये इसके अंदर आ गई, ओके हो गया। अब इसको लगाते हैं, हम चैम्बर के अंदर फिट करते हैं, ठीक है। इस तरह से हमने एंगल सेट कर लिया, अब हम इसको बिठाते हैं। ओके की रिपोर्ट में बैठ गया, थोड़ा सा घुमा के चेक कर लेंगे, ठीक है ओके हो गया। अब हमारे पास जो वॉशरें बची हैं वो बची हैं 5 वॉशरें बची हैं, जिसमें से एक वॉशर किक्की है, ये जो वाली है ये हम हटा देंगे इसको। अब हमारे पास टोटल बची 4 वॉशरें, तो एक पहले जो कट वॉशर आएगी इसके नीचे, ठीक है, दूसरी कट वॉशर इसके बराबर में आ जाएगी, उसके बाद ये तीसरे गियर की गरारी हम बिठा देंगे, उसके बराबर में ये भी तीसरे गियर की गरारी है ये बिठा देंगे। उसके बाद इन 2 वॉशरें हमारे पास बच गई, इसमें से जो मोटी वाली वॉशर है वो पहले आएगी, यहाँ बिठा दी हमने। उसके बाद ये जो गरारी है इस तरह से लगा दो या ऐसे लगा दो कोई मसला नहीं है, लगा दी। फिर हमारी एक वॉशर में पार पर लास्ट बच गई, ये लगा दी ऊपर, ये कंप्लीट फिटिंग है इसकी। अब दूसरी चीज़ जो मैं आपको बता रहा था कि जो तीसरे गियर का इशू आता है बार बार, वो इंशाल्लाह मैं आपको गाइड करता हूँ कि आपने सेटिंग क्या करनी है। ये देखिए, ये जो तीसरे गियर की गरारी है ये वाली, ये ऊपर वाली गरारी की बिल्कुल जड़ में बैठनी चाहिए। अगर ये इस तरह से हल्की सी भी ये यहाँ पर बैठ रही है तो हमारा एक तीसरे गियर का बार बार ये मसला आता ही रहेगा। ये इसका तीसरा गियर ओके की रिपोर्ट में है, ये मसला नहीं कर रहा ना, ये बिल्कुल ही जड़ में बैठ रहा है। तो आपने करना क्या है, अगर ये जड़ में नहीं बैठना तो इंशाल्लाह वो मैं आपको गाइड करता हूँ आपने क्या करना है। ये देखें, ये उठाएंगे हम। अब हमने ये वॉशर निकालनी है इसकी और ये वाली गरारी भी निकालनी है, बराबर वाली भी निकाल लेंगे और ये बड़ी वाली जो हमने वॉशर थोड़ी सी मोटी है ये भी निकाल लेंगे। इसके नीचे जो वॉशर है हमारी कट वॉशर, ये निकाल लेंगे, निकाल ली। और हमने ये गरारी वापस बिठा देनी है इसके ऊपर और हमारी ये वाली जो वॉशर है मोटी वाली ये भी बिठा देंगे और कट वॉशर जो हमने इसके नीचे रखनी थी इसके ऊपर रख देंगे ऐसे, ठीक है। ये आ गई, ये सिर्फ सेटिंग इसलिए कि अगर आपकी गाड़ी का तीसरा गियर बार बार मसला कर रहा है तो बस सिर्फ ये सेटिंग कर दो, इंशाल्लाह कभी भी ये मसला नहीं आएगा। अब सेम वही हमारी जो लास्ट वॉशर है ये आ गई, अब मैं आपको चेक कराता हूँ। उड़ी उड़ी लॉक, ये देखें बिल्कुल ओके की रिपोर्ट में जड़ में जाके बैठ गई करारी,
कोई मसला नहीं करेगी, कोई इशू नहीं करेगी हमारा, लेकिन तीसरे गियर का इशू कभी भी नहीं आएगा इंशाल्लाह। ये सेटिंग है इसकी, एक वॉशर ऊपर रखने से कोई मसला नहीं होगा, ओके की रिपोर्ट में काम करेगा गियर गुच्छा। अब हम इसके अंदर वेट बिठाते हैं और किक की टाइमिंग भी इंशाल्लाह मैं आपको गाइड करूँगा। अब हमारी किक आ गई, किक के वॉशर लगा लेंगे। किक को हमने सिर्फ ऐसे ही रख देना है बस, उसके बाद वेट बिठाना है। उसके बाद चैम्बर की पैकिंग रखेंगे। अब उसके बाद हम इसका कंप्लीट फिटिंग हो चुकी है, गियर गुच्छा हो गया, किक की वॉशर भी आ गई हमारी और वेट भी लगा लिए। अब हमने सेंटर पीस बिठा देना है। हल्की सी हम ऑयल पंप वाली गरारी थोड़ी सी घुमा लेंगे ताकि ऑयल पंप में जाम नहीं हो, क्योंकि अब हमने लगा देने इस तरफ से बोल्ट। बोल्ट सारे लगा चुके चैम्बर में। अच्छा, चैम्बर टाइट करते हुए आपने एक चीज़ का ख्याल करना है, पहला बोल्ट हमने ये टाइट करना है, दूसरा इस कोने से टाइट करना है हल्के हाथ से, फिर उसके बाद सारे चैम्बर के बोल्ट टाइट कर लेंगे। और हल्के से ये पैकिंग हमने थोड़ी सी ऊपर करनी है यहाँ से ना, तो दिखाता हूँ यहाँ से ना हल्के से अंदर की तरफ से ऐसे थोड़ी सी पुश कर लेंगे, बाहर निकाल लेंगे। अक्सर ये होता है, हम पूरा चैम्बर फिट कर लेते हैं ना, एक महीना, तीन महीने, छः महीने बाद हल्का सा यहाँ से आयल आना शुरू हो जाता है ना, सिपी जाना शुरू हो जाती है। तो हल्की सी पैकिंग ऊपर करेंगे ताकि नेक्स्ट के लिए हमारे आयल नहीं आए। उसके बाद गेट ड्रम लगा लेंगे इसका बोल्ट, गेट ड्रम का ना ये जो पिन है यहाँ पे गेट ड्रम के अंदर खांचा दिया हुआ, इसके अंदर फिट होगी ये यहाँ पर, ये देख रहे हैं। हल्का सा इसको सेट कर लेंगे, उसके बाद बोल्ट लगा देंगे। ये कंप्लीट चैम्बर की फिटिंग है। ओके, अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जाइए साथ हमारे इसी सड़क किनारे।